पाकिस्तान इन ममालिक में मुमताज़ मुकाम रखता है जहाँ सैकड़ों आसार कदीमा और तारीखी मकामात मौजूद हैं। पाकिस्तान दुनिया के एक ऐसा मुनफरद मुल्क है जिसका कुदरत ने हर नेमत से नवाजा है, जहाँ पहाड़ भी हैं, सहरा भी हैं और समंदर भी, और कहीं बर्फ भी पहाड़ों को अपने अंदर घेरे हुए हैं, और कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ दूर दूर तक पानी के कोई आसार भी नहीं। यहाँ के तारीखी मकामात, शुमाली इलाका जात, दिल को छू लेने वाले मकामात और बहुत कुछ इस सरजमीन को मुनफरद बनाते हैं। कुदरत ने इस सरजमीन को अपनी कुदरत से सब नेमतों से नवाजा है। अगर शहर लाहौर की बात की जाए तो कहा जाता है कि जिसने लाहौर नहीं देखा समझे वो पैदा ही नहीं हुआ। ये सोचकर लोग जिंदगी में कम से कम एक बार लाहौर जरूर आते हैं कि लाहौर देखे बगैर मरना दुनिया में ना आने के मुतरादिफ है। लाहौर अपने चटपटे खानों और तारीखी मकामात की वजह से बेइंतहा मशहूर है। जो भी लाहौर जाता है वो यहाँ की मशहूर और तारीखी जगहों को जरूर देखता है, लेकिन लाहौर में कुछ गुमनाम मकामात ऐसे भी हैं जो तारीखी लिहाज से तो बड़े अहम हैं, मगर इनके बारे में खुद लाहौर के वासी भी बहुत कम ही जानते हैं। आइए आपको बताते हैं वो जगहें कौन सी हैं। राजा रामा के बेटे राजा लावा के नाम से तामीर किया गया मंदिर, जो कि लावा मंदिर लाहौर के नाम से मशहूर है, और ये शाही किला लाहौर में वाक़ है। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। सरू वाले मकबरे की बात करें तो ये मकबरा बेगम शर्फुन्निसा का है, जिसे बाज़ मौरखीन ने मशहूर तारीखी किरदार अनारकली बताया है। इसकी खासियत यहाँ मौजूद बड़े बड़े सरू के दरख्त हैं जो दूर से ही नजर आते हैं। ये मज़ार बेगमपुरा के इलाके में वाक़ है। बाज़ मौरखीन के मुताबिक ये मकबरा नवाब ज़करिया खान की बहन के लिए बनाया गया, जो मोहम्मद शाह के दौर में लाहौर के गवर्नर थे। ये मकबरा 1745 में तामीर किया गया। खान बहादुर जफर जंग कोकलताश का मकबरा मुगल बादशाह औरंगजेब के जरी सिपाही जफर जंग कोकलताश का है। ये मकबरा केनाल रोड पर रॉयल पॉम के नज़दीक वाक़ है। दीगर कई तारीखी मकामात की तरह ये मकबरा भी टूट फूट का शिकार है। मुगल दौरे हुकूमत में तामीर किए जाने वाले कई बागों में से गुलाबी बाग के दरवाजे के बारे में भी कम लोग ही जानते हैं। इस दरवाजे की खसूसियत इसके खूबसूरत नक्शोनिगार है। इसके अंदर शाहजहां की दाई अंगा का मकबरा भी वाक़ है। यह दरवाजा जीटी रोड पर वाक़ है। अली मर्दान खान शाहजहां की फौज का एक कुर जनरल था। इसका मकबरा मुगलपुरा रोड पर आगे जाकर वाक़ है। लाहौर के गुमनाम तारीखी मकामात की फहरिस्त में एक मशहूर इमारत मरियम जबानी मस्जिद है। ये मस्जिद मुगल शहनशाह अकबर की अहलिया और शाहजहां की वालदा मरियम जबानी ने तामीर करवाई थी। तारीख में इस खातून का जोधा भाई के नाम से भी जिक्र मिलता है। ये मस्जिद लाहौर शहर के बीचों बीच मस्ती गेट के अंदर वाक़ है। नौनिहाल सिंह की हवेली की बात की जाए तो ये हवेली महाराजा रंजीत सिंह के पोते नौनिहाल सिंह की है। मोरी गेट पर वाक़ इस हवेली में शीशे और मसनू फूलों से खूबसूरत काम किया गया है। दीवारों पर शानदार आईने और मुसवरी के शाहकार आवेजा हैं, जिनमें से बाज़ की तंसीब में सोने का इस्तेमाल किया गया था। अगर आप लाहौर जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता कि पुराने लाहौर यानी अंदरून शहर लाहौर न जाएं। अंदरून लाहौर का भाटी दरवाज़ा, जो कि तहजीब व सकाफत का नुमाइंदा दरवाज़ा है, अगर आप इसके अंदर जाएँ तो थोड़ा आगे जाकर बाएँ जानेब वो तारीखी थड़ा भी मौजूद है, जहाँ किसी दौर में डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल और बहुत सारे दूसरे मशाहिर की बैठक हुआ करती थी। ये थड़ा आज भी मौजूद है। अगर आप लाहौर जाएं तो इस थड़े को भी जरूर विजिट करें। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।